हाय फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बोला था ट्रिप टू लंदन वाले वीडियो में कि हम आज स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। पता है कहाँ? विम्बलडन। आपको पता है विम्बलडन के बारे में? नहीं पता तो चलो हम आपको हमारे साथ चलो बताते हैं। हाँ, हाँ, साथ चलो। IUPU फर्स्ट टाइम विल वॉच अ लाइव मैच, वो भी टेनिस का, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच। और हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलने वाले हैं। हाँ, ये IUPU को भी नहीं पता। हाँ, पर आप जरूर जानते होंगे उनको। कौन? बताएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी आओ। फ्रेंड्स, अब हम ट्यूब से जा रहे हैं विम्बलडन स्टेशन की तरफ। आओ दिखाते हैं आगे क्या होता है। ये तो पूरा देश ही चेंज हो गया ना, अलग ही जगह आ गई ना बिल्कुल। है आयु? आयु तो लग ही नहीं रहा कि आयु है। ये आयु है, ये बिल्कुल न्यू सिटी लग रही है हमें। फ्रेंड्स, यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये सारी जनता जो मेरे साथ साथ आगे पीछे चल रही है, सब लोग जा रहे हैं विम्बलडन। दिखाऊं आपको? हमारे सामने से जितने लोग हैं, साइड में जितने लोग हैं, पीछे पूरी जनता, एवरीवन इज कमिंग फॉर विम्बलडन ओनली। पर आयु मुझे तो पूरा लंदन का लग रहा है। एक बार थोड़ा आगे जाके पोज मारना, एक बार इनमें मिक्स हो जाए ना, मुझे दूर से पहचान में ना आए कि आयु है। देखना तो यो। और पीयू मैडम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे टेनिस खेलने जा रही है। दिखाना पीयू मैडम, इधर ये रैंप वॉक कर रही है। मम्मा धूप धूप हो रही है, आप भी कैप ले लो आयु के जैसे। हमारी मम्मा भी बन गई है यूके की मेम। मेम साहब, मेम साहब कहाँ जाना है? मेम साहब, हमको विम्बलडन का टेनिस मैच देखने जाना है। और यहाँ सारे कोर्ट स्टार्ट हो रहे हैं, हम विम्बलडन विलेज में एंट्री कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से स्पेशल एंट्री मिल चुकी है, एक्रीडेशन यहाँ हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने विम्बलडन विलेज में एंट्री कर ली है और ये बहुत ही बड़ा है, ऐसा लग रहा है हम अलग दुनिया में आ गए हैं। हाँ, और हमें इन्होंने स्पेशल वाले पासेस दिए हैं। तो चलो हम आपको पूरा एरिया दिखाते हैं और यहाँ के मैचेस भी दिखाते हैं। बताना हमें आपको कैसा लगा। और आज गर्मी भी हो रही है थोड़ी। हाँ, गर्मी तो है। फ्रेंड्स, आपको शायद पता है या नहीं, आई डोंट नो, विम्बलडन वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट है। हाँ। और हमें स्पेशली इनवाइट किया गया है विम्बलडन की टीम से कि हम आप सबको विम्बलडन के बारे में बता सके। हाँ, और आपको एक्सपीरियंस मिले, और क्या पता अगले साल आप लोग आ जाओ देखने लाइव। हाँ। आओगे ना? ठीक है, तो चलो पहले आपको दिखा देते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको भी पता रहेगा क्या क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अरे पीयूष को भी तो देख लो, पीयूष की शक्ल क्या बनाई है, पापा क्या बन गए कैमरामैन। भाई, मुझे कैमरा के साथ में शूटिंग करने के लिए जो परमिशन है यहाँ पर, उसका पूरा प्रोसेस है। ये ऐसे विप पहनना पड़ता है, कार्ड लेना पड़ता है, हमें एक सपोर्ट पर्सन भी दिया गया डेडिकेटेड हमारे साथ में, जो हमें बताया कि भाई यहाँ शूट करो, यहाँ शूट मत करो। क्योंकि यहाँ पर सब रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी नहीं होता। हाँ, मोबाइल से फोटो वोटो खींच सकते हो आराम से, बट प्रॉपर शूटिंग करनी है कैमरे से तो फिर आपको पूरे सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलो अब देर नहीं करते हैं, अपन चलते हैं। ठीक है ना, अलग ही एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, आ जाओ, मजा आएगा बहुत। फ्रेंड्स, जगह पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग शॉप्स भी है। शॉप्स? आयु को पहले शॉप्स दिख जाती है उसकी। हाँ, काम की। चलो आ जाओ देखो। ओ अरे वाह, एक्सप्रेस शॉप, बाकले स्पेन जोन। अच्छा, यहाँ से हम है ना आयु विम्बलडन के सोविनर्स भी ले सकते हैं। हाँ ना, लेंगे ना, है ना। हाँ पापा, हाँ, हम यहाँ से सोविनर्स लेके शॉपिंग भी करेंगे यहाँ पर विम्बलडन वाली। चलो आ जाओ। अरे उधर देखो ना, वहाँ द हिल पे, द हिल। अरे तूने सुन लिया क्या? द हिल। चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फ्रेंड्स, अभी आपको कोर्ट्स हम बाद में दिखाएंगे, पहले आपको द हिल दिखाते हैं कि वहाँ क्या मजा हो रहा है। ये देखो यहाँ से आपको आगे क्या दिख रहा है, एक पहाड़ दिख रहा है आपको, पूरा पिकनिक स्पॉट। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देखो ये हिल, द हिल पे सब पब्लिक आई हुई है पिकनिक करने, अपने सब स्नैक्स वैक्स लेके और मैच देखने यहाँ। लेकिन दिखाते हो अब आपको कहाँ से मैच देख रहे हैं। हमें भी ऊपर चल के आपको इसका लोकेशन दिखाते हैं। और यहाँ देखो पूरी पब्लिक बैठी हुई है और इंजॉय कर रही है। आपको भी लगेगा यहाँ क्या हो रहा है पिकनिक। चलो, हजारों में लोग बैठे हैं दूर दूर तक, और यहाँ से ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, एंड दे आर वॉचिंग अ लाइव मैच ऑन द स्क्रीन, है ना। अपन भी यार, पिकनिक का स्पॉट क्या अच्छा है ना, ये वाला हिल पर आके बैठो, खाओ पियो। जैसे यहाँ पर पॉइंट मिलता है, स्कोर होता है, वैसे सब क्लैपिंग करते हैं, बहुत जोर से आवाज आती है ये। और यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर में एक खाने का काउंटर है, ड्रिंक्स का काउंटर है, और शॉप्स हैं बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पर पिकनिक मनाने बैठ गए अब।
शूटिंग करने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, रिलैक्स कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं लाइव। ये फ्रेंड्स अभी हमारा मैच स्टार्ट होने में टाइम है, तो हम आपको दिखाते हैं वॉल ऑफ फेम। हाँ। आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं विंबलडन में, उन सब की यहाँ पर लिखा हुआ है उन सबका नाम, और उसमें कोई इंडियंस है क्या? देखते हैं, हो सकता है, वो नहीं है, बहुत सारे हैं। अरे हाँ, आ जाओ फ्रेंड्स, आपकी कंट्री से कौन कौन टेनिस टूर्नामेंट में विंबलडन में जीता है उसका नाम भी हमें बताना, कमेंट करके बताना। हाँ, कमेंट करना। दो कोर्ट सबसे फेमस है, कोर्ट नंबर 1 और सेंटर कोर्ट, हम इसके नीचे हैं, और बाकी ओपन कोर्ट्स हैं। ये देखो इनकी हिस्ट्री, सबसे पहला मैच 1877 में खेला गया था, लेकिन जो ये विंबलडन का नाम लिखा गया था, ग्रास कोर्ट लॉन टेनिस सेक्शन 1908, ओलंपिक्स में नाम आया था इसका। ये देखो 1920 का फोटो, इधर दिखाना पीहू, ये देखो ये वाला फोटो देखो, ये विंबलडन का ही है। हाँ, ये सेंटर कोर्ट है पहले का, अब काफी चेंज हो चुका है। हाँ, अब ये देखो वॉल ऑफ फेम, ये है 1877 से पूरा लेके 2022। अभी देखो लास्ट फोर किसने जीती हैं, नोवाक जोकोविच ने लाइन से 4-4, उससे पहले भी दो जीती हैं, उससे पहले भी एक है, इधर देखो कितने सारी चैंपियनशिप जीती है, ये देखो इनने लगातार कितने जीते। हाँ, उन्होंने 5। यस, अब ये हमने क्या देखा, जेंटलमैन सिंगल, लेडीज, ये देखो इनके फेमस, इन सबके फोटो, ये रहा डॉर्थी, नीचे नीचे देखो राइट साइड में डॉर्थी। हाँ, देखो इनकी ये 5 टूर्नामेंट्स, सबसे ज्यादा तो ये जीते, ठीक है। जोकोविच शानदार प्लेयर है, लेडीज सिंगल्स 22 तक, ये 1884 से चालू हुआ था, चालू हुआ था लेडीज का। हाँ, सबसे ज्यादा मैचेस इनके पास है, मूडी, और ऊपर देखो मार्टिना नवरात्रिलोवा, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ। अब आ जाओ मेंस डबल्स की ट्रॉफी शीट पर, अब यहाँ कोई तुम्हें जाना पहचाना नाम मिल जाएगा। हाँ बाबा, मुझे दिख गया, दिख गया। हाँ। महेश भूपति और लिएंडर पेस। महेश भूपति और लिएंडर पेस इंडियन है। हाँ, इनका नाम यहाँ पर आ रखा है देखो। अब ये लेडीज डबल्स, इसमें देखो कोई नाम दिख रहा है, सानिया मिर्जा दिखा, मार्टिना हिंगिस के साथ में, यस। ये मिक्स डबल्स 2005 में, भूपति के भूपति 3 में भी, 1999 में, फिर 2002 में, 2005 में, और भी ये नीचे भी है, 2010 में है। हाँ, 2010 में, फिर उसके बाद 2015 में, 15 में भी है। हाँ, वेरी गुड, वाओ, देखा कितना नाम कर रखा है। हाँ, हम लोगों ने और भी करेंगे फ्रेंड्स, अब हम जहाँ आए वहाँ कुछ खाना तो पड़ेगा ना, भूख लगी है, और यहाँ पर सबसे फेमस स्ट्रॉबेरी क्रीम वो खाएंगे। हाँ, यहाँ सबसे फेमस है और भयंकर भीड़ होती है, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम भी, ठीक है ना, चलो फ्रेंड्स, अब हमने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, थैंक यू। टेस्ट करो आयु कैसा है, अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ बहुत अच्छा है, नया कॉम्बिनेशन। क्या देखा यूपीयू, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स डबल्स में विनर टैली है, ये चेंज कर दी उन्होंने, यहाँ पर अभी मैचेस हो रहे हैं ना, जैसे अपन देखते ना कि किस का मैच है, अब उसके बाद जो विनर होगा इन दोनों मैच में से, जैसे भी यहाँ देखो, यहाँ अभी हम ये मैच देखने आए हैं, अब इन दोनों में से जो विनर होगा ना ये आगे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर एंड में जो होगा वो फिर आता है यहाँ पर जाकर फाइनल विनर, जब फाइनल विनर की टैली अपन ने कहाँ देखी, पीछे, है ना मजेदार, पहली बार हमने लाइव स्कोर चेंज होते हुए देखा, आगे बहुत सारे हैं, आगे भी हैं बेटा, जितने मैच चल रहे हैं उन सबका स्कोर यहाँ पर अपडेट होता रहता है, समझ आया यू। हाँ, नीचे देखो कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने, आराम से बैठे, देखो सब लोग यहाँ पर ऐसे चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन जीत रहा है, किसने क्या स्कोर किया, सी कितना ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स, आपको पता है अभी हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ के सबसे बड़े कोर्ट के सामने, सेंटर कोर्ट।
वो यहाँ मैच चल रहा है अभी, तो अभी अलाउड नहीं है अंदर जाना। हाँ लेकिन ये बहुत ही आइकॉनिक कोर्ट है, मतलब जैसे क्रिकेट में ओवल स्टेडियम है ना, वैसे टेनिस में सेंटर कोर्ट का नाम फेमस है, विंबलडन का सेंटर कोर्ट सुपर फेमस स्टेडियम, सुपर फेमस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं म्यूजियम, ये यहाँ का बहुत बड़ा फेमस म्यूजियम है, विंबलडन की ट्रॉफी भी रखी होगी अंदर। ट्रॉफी सच्ची में? चलो 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 फ्रेंड्स, वैसे तो लंदन बहुत फेमस है उसके म्यूजियम्स के लिए, लेकिन विंबलडन विलेज भी बहुत फेमस है विंबलडन म्यूजियम के लिए। अरे बहुत ही अमेजिंग है, चलो पीछे हमारी पीछे स्क्रीन चल रही है, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से एंट्री है। पहला देखो, पहला इधर देखो नीचे, ये देखो मम्मा 54,000 बॉल यूज होती है एक टूर्नामेंट में, एक टूर्नामेंट में 54,000 बॉल्स यूज हो जाती हैं। और साथ में ये क्या होता है, ये लोग यहाँ पर 50,000 किलोज ऑफ स्ट्रॉबेरी एक टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रीम बहुत फेमस है और जो हमने खाई थी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी भी थी, यूनिक था, है ना, डिफरेंट था यार। 50,000 किलोज ऑफ स्ट्रॉबेरी, वाओ यार 54,000 बॉल्स तो मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अरे यार इतने सारे मैचेस होते हैं तो इतनी स्ट्रॉबेरी तो लगेगी ना, और इतने सारी बॉल्स भी लगेंगी, बॉल्स भी लगेंगी। चलो आ जाओ देखते हैं और आगे क्या है। फ्रेंड्स वैसे है ना म्यूजियम थोड़े से बोरिंग लगते हैं बच्चों को, मुझे पता है, आईयूपी को भी मैंने बोला म्यूजियम, लेकिन जब उनको मैंने बोला विंबलडन म्यूजियम तो दे वर एक्साइटेड। ये देखो पहले मैच का ये रैकेट देखो, कब का रैकेट है ये, ओएमजी ये वाला 1753 का ये रैकेट है, देख रहे हो यही इनकी फोटो में है, सेम रैकेट संभाल के रखा है यार, बड़ी बात है। पापा ये तो ऐसा लग रहा है जिसमें ऐसे एक युद्ध करने जाते हैं ना। हाँ वैसे ड्रेस है पूरी, पहले राजा महाराजा पहनते थे ना। हाँ क्रॉकेट, वो क्या क्रॉकेट वाला मैच होता है ये जो बॉल से खेलते हैं। अच्छा हाँ देख रखा है मैंने, ये देख रखा है ना, जिन्होंने हमको इनवाइट किया, जो विंबलडन ऑर्गेनाइज कराते हैं उस क्लब का नाम है ऑल इंग्लैंड टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब, फर्स्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी 1877, 150 ईयर्स ओल्ड की ट्रॉफी है और फिर भी मस्त शाइन कर रही है। ये सब पुराने ट्रॉफीज हैं यहाँ पर, कलेक्शन रखा हुआ है, इनकी कैप्स आ जाती हैं, कैप्स रखी हैं पुराने पुराने रैकेट्स। हाँ, इधर हमको दे दो, हमको दे दो, इधर इधर, अरे इधर इधर। अच्छा नहीं आएगी, पापा वो क्या है? बेटा ये बॉल थ्रो करने की मशीन है, जब प्रैक्टिस करनी होती थी ना बार बार फेंकना पड़ेगा ना, तो ये मशीन में डाल देते थे एक साथ 50-60 बॉल। फ्रेंड्स ये है वुडन रैकेट व्हील, जिसमें सारे पहले के वुडन रैकेट्स थे, और फ्रेंड्स ये है मॉडर्न रैकेट व्हील, जिसमें इन्होंने कैसे कैसे डेवलप हुआ मॉडर्न रैकेट। हाँ सूच है, डू नॉट टच ओके। ये तो मामा से भी बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है। हाँ एंड दिस ईयर्स विनर इज प्रकृति कालरा एंड आयुष कालरा, ये थैंक यू। खाली फोटो खींच रहे हैं, खींचो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप पूरा इनका ब्रॉडकास्टिंग कैसे प्रोसेस होता था, फिर इसके बाद इनके ड्रेसेस, फिर इनका पूरा ड्रेस का कलेक्शन। अच्छा इनके साइंड टी शर्ट्स हैं, ये राफेल नडाल की है, OMG। फ्रेंड्स जस्ट लुक एट दिस डिफरेंट स्ट्रोक्स, पूरा स्ट्रोक्स का दे रखा है कैसे स्ट्रोक मारते हैं। Oh, wow. Wow. हमसे चल के ना हो पाए बताओ। पापा ट्रॉफी मैंने जीती है। हाँ, मैंने देखो और पीहू ने वो जीती होगी। वाह, ये रियल वाली, ये रियल ट्रॉफी है, लेकिन पीहू को रियल में नहीं मिली है, इनको मिली है, इनको नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स ये अब एक है ना प्रैक्टिस गेम खेल रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। टाइम अप, इनका स्कोर आया फ्रेंड्स 28। अच्छा 30 सेकंड्स में, वेरी गुड, तालियां। आप कभी भी टेनिस से चैंपियन नहीं बन सकते, सॉरी। बन चलते हैं। बेइज्जती हो गई हमारी, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अभी हमारे वाले मैच में टाइम है,
हम आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं जो मैच चल रहा है। हमें एक और दूसरे मैच देखने का हमें मौका मिला। ये देखो यहाँ पर प्लेयर हैं राजीव राम, जो सेलिसबरी, टेलोन गिस कूपर, बार्ट स्टीवंस, फॉल्ट अगेन। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सेकंड सबसे फेमस कोर्ट पर, नंबर वन कोर्ट। इसका नाम है फ्रेंड्स नंबर वन कोर्ट। हाँ। और ये भी बहुत बड़ा है और बहुत ही अमेजिंग मैचेस होते हैं। सारे बड़े बड़े मैचेस यहाँ होते हैं। हाँ। ना, सेंटर कोर्ट में, दोनों कोर्ट में। हाँ, बाकी सारे फिर स्मॉल कोर्ट्स हैं यहाँ पर जो ओपन कोर्ट्स हैं। आयु तेरे को बताते को लाइव मैच में ज्यादा मजा आ रहा है या घूम के मजा आ रहा है? मेरे को घूम के मजा आ रहा है। घूम के मजा आ रहा है ना? लोगों को लाइव मैच, लाइव मैच अच्छा लगा ना? ठीक है। मम्मा को? मेरे को तो भी लाइव मैच में मजा आया। लाइव मैच में मजा आया ना? ठीक है। लाइव मैच में वैसे आना चाहिए है ना? हाँ। पूरी ऑडियंस साथ में बैठी होती है, कितना सब चिल्लाते हैं, मजा। फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया है। हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अपना। अरे इस विलेज में बहुत सारी चीजें हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो 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 मूव फ्रेंड्स। तो अब हम आपको बताते हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैच के बारे में। ये बताए कितनी देर खेला गया था? एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, पूरे तीन दिन खेला गया था। देखो 22nd से लेकर 24 जून 2010 18 नंबर कोर्ट पे खेला गया था और टोटल मैच जो प्ले हुआ वो 11 घंटे 5 मिनट 3 दिन में प्ले हुआ था। देखो इतने सारे सेट्स होते हैं। हाँ, इतने सारे सेट्स चले। लास्ट सेट देखो 70-68। वाह, जॉन इस्नर बीट निकोलस महुट। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाम है ना, हमें उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आते हैं। हम कहीं पर किसी का नाम गलत लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दे तो यार सॉरी, एडवांस में सॉरी, है ना यू? इन लोगों को भी हमारे नाम उल्टे सीधे बोलने आते हैं। हाँ। याद है वो फ्लाइट फ्लाइट में ना, प्राकृति, पायुष पायुष पापा को पायुष प्रैटी बोला था, प्रैटी एक ने तो प्रैटी। फ्रेंड्स आपको एक मस्त चीज बताऊं, हम अभी हैं ब्रॉडकास्ट एरिया पे क्योंकि हमें ये स्पेशल पास मिले हुए हैं यहाँ आने के लिए। हाँ, क्योंकि हम भी मीडिया पर्सन है। मीडिया पर्सन है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताओ। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है बीबीसी और ESPN की यहाँ पर। यस, और वो भी लाइव रिकॉर्ड चल रहा है। यस, यहाँ ये देखो ये इनके स्टूडियोज बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से ये लोग टेलीकास्ट करते हैं शोज को, इनके शोज को यहाँ से टेलीकास्टिंग होती है। और हम ये एरिया पर हम भी कवरिंग कर रहे हैं एक छोटे से कैमरा से। इनकी पूरी टीम है। हाँ। 50-60 लोगों की, पूरा इतना बड़ा टीम था। और हमारी पूरी फैमिली है। देखो सेटअप देखोगे कितने ट्राइपॉड्स और खड़े हैं। ये देखो कैमरेस देखो यहाँ पर, अपने हाथ में भी नहीं आएंगे ये। आयु मुझे तो वो ट्राइपॉड देख के डर लग रहा है, वो इतना मोटा सारा ट्राइपॉड। फ्रेंड्स ये ट्राइपॉड देख रहे हो, मेरे से बड़ा है वो, है ना मजेदार जगह। या इनके लिए स्पेशल स्क्रीन लगी हुई है, इनके पास स्पेशल पूरा का पूरा नीचे ये देखो। या इनके पास लाइव स्कोर्स आते रहते हैं, पीछे पूरे इनकी रिकॉर्डिंग टीम बैठी है। यहाँ से ये लोग मीडिया पेवेलियन है जहाँ से शूटिंग होती है और हम भी यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं। अगर हम टिकट लेकर आते हैं तो हमें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। हाँ फ्रेंड्स, ये हम स्पेशली इनवाइटेड हैं और वो किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने हमें फेमस किया इसलिए इन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू। चलो आ जाओ, इनको विंबलडन बाकी दिखाते हैं, विलेज पूरा। हाँ ठीक है चलो। तो फ्रेंड्स अब हम आए हैं विंबलडन विलेज के सबसे हाईएस्ट लेवल पर, टॉप लेवल। और यहाँ से देखो, यहाँ से पहले नजारा देखो नीचे का। तो सब नजारा दिखा। आपको एक बढ़िया बात, पब्लिक है। देखो यहाँ से ये देखो मैच चल रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कोर्ट दिख रहे हैं आपको। और इधर देखो वो जो हमने हिल दिखाया था वो दिख रहा है, पूरा हिल भरा पड़ा है। उधर एक कोर्ट था, कोर्ट 18। अब मुझे बताओ कोर्ट कहाँ कहाँ पर है? नंबर वन कोर्ट, ओके, ये चार, ये चार, ठीक है। बाकी के वहाँ पर है, बाकी के उधर है। अच्छा, सारे कोर्ट और सबसे मेन सेंटर कोर्ट, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटर कोर्ट। और पता है इसमें ऊपर से खुल भी जाता है। हाँ, वो लगी हुई ना व्हाइट कलर की जो दिख रही है ना फ्रेंड्स। हाँ, ये ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है वेदर के हिसाब से, जैसा इनको करना है। ये भी ओपन होता है, बढ़िया मैच चल रहा है। कोर्ट वन और सेंटर कोर्ट दोनों ओपन होते हैं। यहाँ तो बढ़िया मैच चल रहा है, आवाजें वहाँ से आवाजें बहुत अच्छी सी आ रही है। फ्रेंड्स देखो मीडिया सेंटर में टॉप पर इंटरव्यू भी चल रहा है। ये कोई प्लेयर है जो अभी मैच जीत कर आए हैं और सारा मीडिया वाले देखो इनको घेर लिया है, जैसे हम देखते हैं ना टीवी पर। और वहाँ देखो एक और नीचे बैठी हुई है, वो देखो शेड के नीचे ये दिख रही है,
धूप आ रही ना, तो धूप से बचाने के लिए इनका भी इंटरव्यू चल रहा है इधर, और इधर एक और इनका इंटरव्यू चल रहा है, दो दो प्लेयर्स। ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, टेनिस खेलने का मन कर रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद तो सबका टेनिस खेलने का मन कर जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको भी मन कर रहा है ना, आप भी सोच रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ एक मैच चल रहा है लोकल प्लेयर का, मतलब वो लंदन गई है, और देखो पब्लिक ऐसे चिल्ला रही है। प्लेयर का नाम है एंडी मरे, और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है मैच, और पब्लिक इज लाइक सो एक्साइटेड क्योंकि ये जीतने वाला है। देख, सब एकदम टकटकी लगा के बैठे हैं, और फुल मैच, फुल हो रहा है, फुल, एकदम फुल, जगह नहीं है, जगह भी नहीं जाने की, चलने की जगह नहीं। फ्रेंड्स, आयु पता है ये मैच कब से चल रहा है? कल से। कल से चल रहा है? हाँ, क्योंकि 11:30 बजे रात को ये लोग बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन फिर जैसे स्लॉट मिलता है फिर खेलने लगते हैं। देखा, पूरी पिकनिक, इतनी बड़ी पिकनिक देखी आपने एक साथ कभी? और ये क्या है, शायद मरे हार रहा है, शायद एंडी मरे हारने वाला है, तो आधी पब्लिक यहाँ से उड़ गई है। चलो चलो घर चलो, चलो घर चलो, आधी पब्लिक उड़ गई है, मूड खराब हो गया यहाँ पर पब्लिक का। सो सॉरी एंडी मरे के फैंस, सो सॉरी फॉर मरे फैंस, बट व्हाट टू डू, कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक खड़ी हो गई, देखा आपने पूरा? ऐसा होता है, हमारा भी होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है और जो भी टीम जीत रही हो दूसरी टीम के जो सपोर्टर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। टीम बंद कर दो, चलो ऐसे। चलो अभी हम हमारे मैच की तरफ चलते हैं। हाँ, चलो चलो आ जाओ। जो मैच देख रहे हैं वो एक इंडियन प्लेयर का, ये सेट पॉइंट। देखो कितना अच्छा स्मैश हुआ। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया था कि हम एक स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे, तो हम उनसे अब मिलने जा रहे हैं। देखो वह ना बहुत थोड़े से टाइम के लिए आ रही हैं, उनको आगे प्रैक्टिस मैच के लिए जाना है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स को आइडिया लगी होगा कि कौन है। कोई टेनिस प्लेयर है, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स उनको जानते हैं और देखा भी होगा। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट भागो भागो। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। वॉल ऑफ फेम पर आपका नाम देखा, सो दे वर सो हैप्पी टू सी इंडियन नेम्स। नहीं अभी नहीं, ही प्लेड फुटबॉल। हाँ, तो राजस्थान। यस, सो मैम सो हैप्पी टू सी यू। और मैम हमारी ऑडियंस को प्लीज एक बार हाय बोलिएगा। हाय गाइस। मैम सारे यंगस्टर्स हैं। Keep watching. All the best, guys. Thank you so much. Yeah. The best. Enjoy Wimbledon. Yeah, we are enjoying. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. फ्रेंड्स, ये मेरा आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था। इसको बेस्ट क्यों लग रहा है मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने लाइव मैच देखा है पहली बार जीवन में, है ना। दूसरा, ऐसी जगह देखा है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम आते, है ना। थैंक यू सो मच विंबलडन की टीम जिन्होंने हमें स्पेशली इंडिया से यहाँ तक इनवाइट किया और हमें एक्सपीरियंस दिया लाइफ टाइम वाला, है ना। और फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी हो सकता है अगर आप विंबलडन आते हो मैच देखने, क्योंकि ये खाली एक लाइव मैच नहीं है, ये पूरे दिन की मस्त वाली एंजॉयमेंट वाली पिकनिक है। देखा था ना कितने लोग एंजॉय कर रहे थे। और सामने हमारे देखो सेंटर कोर्ट जो बिल्कुल आइकॉनिक है, जो मतलब उसके बारे में क्या ही बोलो, है ना। और ये पीहू मैडम ने अपना गिफ्ट ले लिया है, मेमोरेबिलिया
सिपर, जो आपको पता है कि पीहू मैडम को सिपर का कितना शौक है, कलेक्शन है ना। फ्रेंड्स, अगर आपको विंबलडन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। और नेक्स्ट ईयर हो सके तो आप भी प्लान करना लंदन आने का, लाइव मैच देखने का, है ना। मजा आया ना, रियली मजा आया ना। हाँ, बहुत मजा आया। और वेदर तो ऑसम है। हाँ, मस्त हवा चलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी दिखाएंगे मजेदार। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।